दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में हमने गोल्ड यानी सोने को खानों से निकलकर महिलाओं के गलों के हारों तक पहुंचने तक का सफर तय किया था। आज बारी है सोने से भी ज्यादा कीमती धातुओं जैसे डायमंड, यूरेनियम और प्लेटिनियम के बारे में जानने की और इनको बनता देखने की। तो शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहे हमारी इस वीडियो के साथ ताकि आपको मिल सके सही और सटीक जानकारी हमारे YouTube चैनल डीपली अध्ययन के माध्यम से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं कड़ी मेहनत से बनी इस वीडियो को। नंबर एक पर है डायमंड माइनिंग प्रोसेस। दोस्तों, वैसे तो अक्सर हीरे की खदानें जमीन के नीचे असीमित गहराइयों तक गड़े पाइपों से ही होकर गुजरती हैं, मगर साथ ही गहरे समंदर की सतहों पर भी डायमंड की भारी मौजूदगी होती है। आज की इस वीडियो में हम हीरे की खदानों के भीतर चलकर डायमंड बनने के पूरे प्रोसेस को देखने वाले हैं। वेल, चमचमाते हीरो को हासिल करने के लिए -50 डिग्री की जमा देने वाली ठंड में रूस की साइबेरियन डायमंड माइन का रुख किया जाता है। जमीन से तकरीबन 3280 फीट नीचे जाती लिफ्ट अपने साथ रोजाना कई वर्कर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। वेल, सबसे पहले इन खदानों में मौजूद इंजीनियर्स बेहद ही उन्नत ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डायमंड कहाँ है यह पता लगाते हैं। वैसे तो खदानों के भीतर चमचमाती दीवारें चारों ही तरफ हीरो के होने का भ्रम कराती हैं, मगर असल में ऐसा नहीं होता है। फाइनली जब एक बार जगह को ट्रेस कर लिया जाता है तो इस जायंट ड्रिलिंग मशीन के जरिए इन चट्टानों को काटा जाता है। वहीं दूसरी ओर कटे हुए डायमंड आरे को संभालने के लिए एक ट्रॉली भी तैयार होती है। बस जरूरत होती है तो वहां फील्ड में कार्य कर रहे इंजीनियर के एक इशारे की, जिसके बाद उस जायंट ड्रिलर को दीवार पर चलाया जाता है। अब क्योंकि डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, इसीलिए टूटी हुई चट्टानों के बीच डायमंड के बड़े बड़े स्टोन्स अलग हो जाते हैं और इन्हीं स्टोन्स को ट्रॉली में जमा कर लिया जाता है। इसी तरह से रोजाना सैकड़ों टन पत्थरों को 3000 फीट ऊपर जमीनी सतह पर लाया जाता है, जिसके बाद असली खेल शुरू होता है। सतह पर पहुंचते ही इन चट्टानों को एक प्रोसेसिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां सबसे पहले एक जायंट क्रेशर में इन चट्टानों को तोड़कर छोटे छोटे कंकड़ों में बदला जाता है। यह कंकड़ मशीन के दूसरे सिरे से जुड़ी जालीदार कन्वेयर बेल्ट पर जा उतरते हैं, जहां उन पर पानी की तेज बौछार की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान डायमंड के प्योर ऑरे को आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाता है और वेस्ट मटेरियल को नीचे डंप कर दिया जाता है। अब तक कुछ इम्प्योरिटीज के साथ डायमंड ऑरे अपनी फाइनली स्टेप पर पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। नेक्स्ट स्टेप में एक विशेष किस्म की एक्सरे मशीन में इन स्टोन्स को एग्जामाइन किया जाता है, जहां हीरे का हीरा और पत्थर का पत्थर हो जाता है। मेरा मतलब है कि डायमंड और स्टोन्स का सेपरेशन होता है। इस सेपरेशन के बाद सल्फ्यूरिक एसिड से भरपूर कंटेनर में इन पत्थरों को डाला जाता है, जहां पत्थर पिघलकर एसिड में ही मिल जाते हैं और एक्चुअल डायमंड उभर कर ऊपर आ जाता है और अब हमारे सामने होते हैं करोड़ों की कीमत के ये डायमंड्स। अब तक डायमंड तो बनकर बिल्कुल तैयार होता है, मगर एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप बचा होता है, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग और जरूरी भी होता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं डायमंड कटिंग की। यूं तो कटिंग को करने के लिए कई सारे तरीके हैं, मगर आज हम सबसे आधुनिक तरीके लेजर कटिंग को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, वो भी लाइव। लेजर कटिंग की इस प्रक्रिया में सबसे पहले डायमंड के अनइवन स्टोन को लेजर मशीन के भीतर रखा जाता है, जहाँ सबसे पहले उसके एक्चुअल शेप का एनालिसिस किया जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर के जरिए ही डायमंड के एक्चुअल डिजाइन को शेप पर अलाइन किया जाता है और फाइनली लेजर कटिंग मशीन डायमंड की कटिंग करना शुरू कर देती है। इस दौरान डायमंड कंप्यूटर में फीड किए गए डिजाइन के हिसाब से ही बनकर तैयार होता है। फाइनली जब डायमंड कट होकर शेप में आ जाता है तो उस हीरे का कड़ा विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें पास होने पर ही आगे उस डायमंड को रिंग में बदलने के लिए भेजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप में से किसी के पास भी डायमंड रिंग है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों, आप देखते हैं प्लेटिनियम रिंग मेकिंग प्रोसेस को
दोस्तों प्लेटिनियम, जिसे अक्सर व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आजकल जेवरातों और एंगेजमेंट रिंग में बेहद ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसकी प्रीमियम लुक बिल्कुल सोने सी होती है, मगर दाम में यह सोने का आधा ही होता है। तो आइए अब हम इससे बनने वाली रिंग की मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। अक्सर रिंग्स को मैनुअली हाथों से ही बनाया जाता है, जिससे इसका डिजाइन बेहद ही आकर्षक और सटीक बनता है, जिसके लिए सबसे पहले एक कारीगर प्लेटिनियम की पत्तियों को पिघलाकर उसका एक सख्त टुकड़ा तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद उसे हथौड़े से पीटकर निश्चित मोटाई की एक पट्टी में तब्दील कर लेते हैं। अब चूंकि हमें प्लेटिनियम की रिंग बनानी है, इसलिए एक रॉड पर रखकर उस पट्टी को गोल छल्ले का आकार दिया जाता है। बाकी के बेकार पार्ट को एक बेहद पतली आरी से काटकर अलग कर लिया जाता है और गैस टॉर्च से निकलती तेज लौ रिंग के दोनों ही सिरे को वेल्ड कर देती है। रिंग को चमकदार और इवन बनाने के लिए पॉलिशिंग की जाती है, जिसमें सैंड पेपर यानी कि रेगमाल और बेबी साइज की फाइल यानी रेती का इस्तेमाल किया जाता है। रिंग में मैन डायमंड को फिक्स करने के लिए बीच में से ही रिंग को काट लिया जाता है। कटे हुए हिस्से के बीच प्लेटिनियम से ही बने डायमंड होल्डर को रिंग से वेल्ड कर दिया जाता है, जिसके बाद असल बारीकी का काम शुरू होता है। कारीगर एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके मैन डायमंड को फिक्स कर देते हैं और साथ ही रिंग के डिजाइन के अकॉर्डिंग ही बाकी के डायमंड्स को भी रिंग की बॉडी पर गूथ दिया जाता है और फाइनली एक जबरदस्त रिंग बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों अब आप यहां तक आ गए हो तो आप यह भी देख लीजिए कि यूरेनियम को कैसे बनाया जाता है। दुनिया भर के सबसे ज्यादा महंगे एलिमेंट की लिस्ट में शुमार यह यूरेनियम। देखने में जितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है, उतना ही खतरनाक और जानलेवा भी होता है। जी हाँ, यह बेहद ही रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। इसका बहुत थोड़ा अमाउंट ही कई सारी जाने लेने के लिए काफी है। साथ ही अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये तकरीबन 51,65,000 प्रति किलोग्राम के रेट पर आपको मिल सकता है। इस धातु की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 ग्राम यूरेनियम जितनी पावर बनाता है, ठीक उतनी ही पावर बनाने के लिए 150 टन कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो आइए अब हम जमीन से 328 फीट नीचे यूरेनियम की इन खदानों में चलकर जायजा लेते हैं कि आखिर इनको कैसे निकाला जाता है। दोस्तों किसी और माइन की तरह यहाँ भी प्रेशर और टेम्परेचर अपने चरम पर होता है। दोस्तों खदानों की इन दीवारों में भारी मात्रा में यूरेनियम ऑरस मौजूद होता है, जिसे इन जायंट ड्रिलिंग मशीन के जरिए दीवारों से खरोंचा जाता है। अभी ड्रिल को चलते हुए कुछ ही मिनट हुए हैं कि 150 किलो से भी ज्यादा वजनी चट्टानें दीवारों से काट कर अलग हो गई हैं। वेल इसी तरह से भारी मात्रा में इन दीवारों से ढेर सारी चट्टानों को काट कर इन लॉरियों में भरकर लिफ्ट के जरिए जमीनी सतह तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद प्रोसेसिंग प्लांट में इन पर काम शुरू किया जाता है। इन चट्टानों को बाई वॉशिंग की प्रक्रिया के जरिए प्यूरिफाई किया जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान यह स्टोन्स यूरेनियम ट्राइऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं और सभी तरह की अशुद्धियां जैसे धूल के कण, रेत आदि कन्वेयर बेल्ट के जरिए ट्रे में नीचे चले जाते हैं। अब वर्कर्स की एक टीम वेयरहाउस में जाकर इन यूरेनियम ट्राइऑक्साइड से भरपूर कंटेनर्स को मशीन्स तक शिफ्ट कर देती है। सबसे पहले कुछ केमिकल्स मेथड के जरिए इन रॉक्स का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, जिसके लिए यूरेनियम ट्राइऑक्साइड पर सल्फ्यूरिक एसिड की बौछार की जाती है। अब बारी आती है एक कड़े केमिकल इंस्पेक्शन की, जिसके लिए इसके सैंपल को लेकर लैब में भेज दिया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर बॉयलर्स में यूरेनियम डाइऑक्साइड में बदल जाती है। यूरेनियम डाइऑक्साइड काले रंग का एक फाइन पाउडर होता है, जो आप देख सकते हैं। दोस्तों इस फाइन पाउडर को अब एक डाई से गुजार कर सिलेंडर की शेप में ढाल लिया जाता है। इसके बाद 24 घंटों के लिए यानी एक दिन के लिए इन यूरेनियम बार्स को भभकती फर्नेस में रखा जाता है, जिससे कि बार्स की सतह पर मौजूद हवा से बने छेद भर जाते हैं और साथ ही यूरेनियम की घनत्व यानी कि डेंसिटी भी बढ़ जाती है। अब एक असेंबलिंग रोबोटिक्स आर्म यूरेनियम की इन बार्स का 12-12 का सेट बनाकर एक स्टैक्स में बना देती है और फाइनली इन यूरेनियम रोड्स को पावर प्लांट्स के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहां न्यूक्लियर रिएक्टर के भीतर यह रोड्स लाखों किलो जूल्स एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं।
दोस्तों आगे भी ऐसे ही मजेदार और रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।